युग पुरुष महंत दिग्विजयनाथ के स्मृति में आयोजित व्याख्यान माला के समापन समारोह का आयोजन दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कल्पलता पांडे ने महंत दिग्विजयनाथ के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के शुभारम्भ अवसर पर कुलपति प्रोफेसर कल्पलता पांडे ने राष्ट्रवाद की अवधारणा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपने संबोधन में कहा कि भगवान कृष्ण, बुद्ध, पतंजलि तथा गुरु गोरक्षनाथ के बिना अखंड भारत की कल्पना असंभव है तथा गुरु गोरक्षनाथ संत परंपरा के शिरोमणि थे, लेकिन किसी कारणवश इनको जितना यश प्राप्त होना चाहिए वह नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि राष्ट्र एक भौगोलिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक इकाई तथा भारतीयों की आत्मा है। उन्होंने कहा, राष्ट्रवाद एक मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक संकल्पना है जिसमें विस्तार को स्थान नहीं और भारत माता के स्वरूप की कल्पना ही हमारे राष्ट्र का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में गुलामी से मुक्ति का विकल्प है जो पूरी तरह से भारतीय मूल्य से ओतप्रोत उच्च गुणवत्ता भारत को वैश्विक ज्ञानी, नैतिक दायित्व और उनके संवैधानिक मूल्यों को जागृत करने वाली नीति है जो एक रोजगार परक तथा आत्मनिर्भरता का पक्षधर है। इस अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्र संयोजक सर्वेश पांडे, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वीणा गोपाल मिश्रा, डॉक्टर प्रतिमा सिंह, डॉक्टर विवेक शाही, डॉक्टर संजय त्रिपाठी सहित कॉलेज के अन्य शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वीणा गोपाल मिश्रा ने कहा, विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि हमारे बीच उपस्थित स्मृति में आयोजित युग पुरुष महंत दिग्विजयनाथ स्मृति व्याख्यान माला के समापन समारोह में हृदय से स्वागत करती हूँ। व्याख्यान का विषय है राष्ट्रवाद की अवधारणा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023। विशिष्ट वक्ता एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर सर्वेश पांडे सर, क्षेत्र संयोजक स्वदेशी जागरण मंच पूर्वी उत्तर प्रदेश, की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हूँ। महाविद्यालय की प्राचार्य कृपया संचालित किया जा रहा है जिसका सजीव प्रसारण जान रहा हूं कि समय का अभाव आपके यहाँ पर इच्छा है, तो आप
बड़ी निर्दयता से समय का संकेत मुझे कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों ही विषय इतने महत्वपूर्ण है कि बहुत अधिक समय की मांग करते हैं। आज का जो विषय है वह है राष्ट्रवाद की अवधारणा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है यह अपने आप में इतना विशद आयाम लिए हुए है, और यह भी है कि उससे हम बच भी नहीं सकते हैं। हमारे प्राध्यापक बंधु भगिनी और छात्र छात्राएं दोनों को इसका साक्षात्कार करना है और इसके ही अनुसार हमें आगे चलना है, क्योंकि यह शिक्षा के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन लाने वाली शिक्षा नीति है। और दूसरा एक जो विषय है राष्ट्रवाद की अवधारणा, मुझे लगता है कि आयोजक बंधुओं ने इस शिक्षा नीति की राष्ट्रीय पक्ष को उजागर करने के लिए ही राष्ट्रवाद की अवधारणा को जोड़ा है। परंतु राष्ट्र की अवधारणा को लेकर के एक चर्चा काफी समय से चलती रही है। राष्ट्र की अवधारणा आई कहां से, राष्ट्र है क्या, राष्ट्र को कैसे हम समझे, क्योंकि हमारे यहां अवधारणाओं के नाम पर तीन बातें या तीन शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, राष्ट्र, राज्य और देश। और ऐसा लंबे समय से पढ़ाया जा रहा है, नेशन स्टेट के उदय के साथ हमको जोड़ा गया है कि हम नेशन स्टेट बनने की प्रक्रिया में है, और यही से भ्रम फैला कि हमारा राष्ट्र उनका नेशन है, जो एक जियो पॉलिटिकल इकाई है जिसकी अपनी एक जबरदस्ती है और वो एक राजनीतिक इकाई है। लेकिन जब राष्ट्र की अवधारणा को लेकर के चर्चा हुई तो जो भारतीय चिंतन परंपरा है वो ये बताती है कि नहीं, राष्ट्र की अवधारणा हमारी सनातन चिंतन परंपरा में यह रही है। वेद में इसका जिक्र है, ऋग्वेद का ऋषि भी कहता है राष्ट्रम धारयता ध्रुवम्, यानी राष्ट्र को स्थिर करने का संकल्प लेना है, और ये राष्ट्र को स्थिर रखने का जो संकल्प ले रहा है वो अपने ही नहीं उसके लिए सहयोग ले रहा है वरुण से, बृहस्पति से, इंद्र से और अग्नि से। यजुर्वेद का ऋषि कह रहा है कि वयम राष्ट्र जागरियम पुरोहिता, हम पुरोहित इस राष्ट्र को जागृत रख करें। तो बंधुओं मुझे लगता है जो राष्ट्र की बात यह की जा रही है कि 18वीं-19वीं शताब्दी में यूरोप के नेशन स्टेट से राष्ट्र की अवधारणा का जन्म होता है, या कहीं न कहीं से कह सकते हैं कि जो हमारी निरंतर प्रक्रिया है, जो कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन के साथ जुड़ी हुई है, वहां से चल रही है, लेकिन कहीं न कहीं से एक विभ्रम पैदा हुआ, एक इल्यूजन खड़ा हुआ, और उस इल्यूजन को आप समझ सकते हैं कि जब सब कुछ पश्चिम से ही आता है। आज की ये जो मीटिंग है, जो आज का जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के पहले मैं कुछ दो तीन बातें कहना चाहती हूँ। मैं गोरखपुर में आई हूँ और उसमें मुझे एक किसी व्यक्ति ने पुस्तकें, जब आप आयुशास्त्र बन जाते हैं तो पद काम करता है, व्यक्ति भूल जाते हैं लोग, तो और 3 साल तक पद रहता है, उसके बाद फिर व्यक्ति हो जाता है। तो ये एक विशिष्ट बात होती है, भूमि जहाज पर आगे हो जाता है। तो मैं टीचर हूँ, केवल मुझे टीचर के रूप में जाने पर है, ये सब तो आना जाना है, तो इसको भी समझना पड़ेगा। यहाँ मैं ओशो की एक किताब पढ़ रही थी, किसी ने दी थी साकी, और उसमें जो है वो शाही जी ने अनुवाद शाही जी ने किया था, वो किताब मेरे पास किसी ने दी थी, उसमें एक बड़ी अच्छी बात मैंने पढ़ी ओशो से। किसी ने पंत जी ने, सुमित्रानंदन पंत जी ने पूछा कि अगर विश्व राष्ट्र के किसी 12 व्यक्तियों का नाम बताइए जिनके बिना ये राष्ट्र चल ही नहीं सकता था, तो वो 12 व्यक्तियों के नाम बताइए। तो उन्होंने 12 व्यक्तियों के नाम बताए, फिर उन्होंने कहा 4 कम कीजिए, 7 कीजिए, 6 कीजिए, 4 कीजिए। तो 4 को उन्होंने कहा ठीक, अब बताइए नाम जरा।
तो उन्होंने कहा कि कृष्ण का नाम है कृष्ण ने, और दूसरा नाम उन्होंने बताया बुद्ध का, तीसरा नाम बताया पतंजलि का, और चौथा नाम बताया गोरखनाथ जी का। तीन बनाइए कहीं तीन में नहीं ला सकता, इस चारों में कोई किसी से कम नहीं है। इतनी महान परंपरा, इतनी महान संत परंपरा के संवाहक, जो बढ़ाने संचालक, जो आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, उन सबकी तस्वीर पर, उनके चित्र पर मैंने जो आज पुष्प चढ़ाए हैं, इससे मैं स्वयं को बहुत धन्य महसूस करती हूँ। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य सुअवसर मिला है, जिससे कि मैं एक बहुत नाथ संप्रदाय, नाथ परंपरा के उन महान विशिष्ट व्यक्तियों को प्रणाम कर रही हूँ, उनका अर्चन कर रही हूँ, उनका वंदन कर रही हूँ, उनको पुष्पार्चन कर रही हूँ। तो एक बहुत इसमें एक चीज मैं पढ़ रही थी इस किताब में, यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये जरूरी है, तीन का नाम था बहुत मशहूर, लेकिन गोरखनाथ जी को जिस तरह की चारों तरफ जो मिलना चाहिए, जो उनके ज्ञान का प्रकाश प्रकीर्ण होना चाहिए था, वो प्रकाश इन्हीं कारणों से उतना प्रकीर्ण नहीं हुआ जितना होना चाहिए, जिसकी आज आवश्यकता है। हम कभी को जान गए लेकिन गोरखनाथ जी को पीछे कर दिया, ये उचित नहीं है, इसको अवश्य रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए इसमें बहुत अच्छी बात कही है, गुरु गोरखनाथ जी के जो संत परंपरा में जो स्थान है वो दिखता है यहाँ पर। नाथ कहे तुम आपा राखो, हटकर वाद न करना, यह जुग है कांटे की बाड़ी, देख देख ही पग धरना। इतनी इतनी सुंदर और इतनी सामयिक बात, इतनी प्रासंगिक बात इन्होंने कही है यहाँ पर। इसको भी ये हम लोग एक बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं, जिनके समाज में, जिनके राष्ट्र में, जिनके देश में इतने बड़े बड़े लोग पैदा हुए। और जब मैं राष्ट्रवाद की बात करूंगी या राष्ट्र की अवधारणा की बात करूंगी, तो पीछे महाराणा प्रताप से बढ़कर कौन था राष्ट्रभक्त, जिसने अपने देश को बचाने के लिए, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, उसकी जमीन को बचाने के लिए जंगल जंगल भटके, इतने बड़े महापुरुष भटके, और उसके बाद उन्होंने रोटियां भी खाई, घास की सब किया, पर अपने देश के साथ, अपने राष्ट्र के साथ किसी को घुसने नहीं दिया, समझौता नहीं किया। आज महाविद्यालय में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी की 22वीं पुण्यतिथि और राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे महाविद्यालय में एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। ये व्याख्यानमाला 10 सितंबर से शुरू हुई थी और आज 16 सितंबर को इसका समापन सत्र हुआ है। हमारे समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर कल्पलता पांडे, कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, और विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर सर्वेश पांडे जी, क्षेत्र संयोजक स्वदेशी जागरण मंच उपस्थित थे। आज हमारे चर्चा का विषय था राष्ट्रवाद की संकल्पना एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आज की जो हमारी परिचर्चा थी वो दो सार्थक और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर केंद्रित थी, जिसमें पहला महत्वपूर्ण प्रश्न था राष्ट्रवाद की संकल्पना और दूसरा प्रश्न था हमारे सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। जो ज्वलंत समस्याएं हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आज भारतवर्ष का अतीत, भारतवर्ष का वर्तमान और भारतवर्ष का भविष्य पूरे देश की जनता से और समाज से ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो आज़ादी के बाद से जो हमारे राष्ट्रवाद की संकल्पना और राष्ट्र की चिति के विकास के मार्ग से देश भटक गया है, वो किस प्रकार से क्या किया जाए जिससे कि ये राष्ट्र जो है पुनः अपनी चिति के अनुरूप अपना विकास कर सके। कि संकल्पना पश्चिमी संकल्पना है, ये यूरोपीय देशों से हमें पश्चिमी राष्ट्रवाद की संकल्पना मिली, लेकिन पश्चिमी राष्ट्रवाद के और आधुनिकता की, भौतिकता की अंधाधुंध आंधी में हम लोग अपने भारतीय राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है हम उससे कहीं दूर हो गए। भारतीय संस्कृति के सनातन मूल्य, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, विभिन्नताओं में एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता,
ये सारे जो हमारे आज़ादी के बाद के मूल्य थे, संवैधानिक मूल्य थे, हमारे जो आदर्श थे, उन आदर्शों और मूल्यों से कहीं भटके हुए प्रतीत होते हैं हम लोग। आज ये जो वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति के अगर सारे बिंदुओं पर विस्तार से विचार किया जाए तो एक तथ्य ये निकल के आता है कि इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा एक बार पुनः भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीयता की अवधारणा को अपनाने, उसी के अनुरूप कार्य करने, विचार करने और उसी को अपना आदर्श मानकर आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती है। आज 21वीं सदी है। अगर हम देखें तो 19वीं सदी में अगर हम महात्मा गांधी को देखें तो महात्मा गांधी ने भी उस समय में जो बुनियादी शिक्षा की वो प्रस्तुत की थी, अवधारणा जो उनकी नई तालीम को लेकर जो अवधारणा थी, उसमें जिन भारतीयता के मूल्यों का समावेश किया गया था वही भारतीयता के मूल्य आज हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी दिखाई देते हैं। अंतर केवल इतना है कि आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, आज हमें पूरे विश्व का नेतृत्व करना है, वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पर आगे चलकर विश्व गुरु बनना है हमें। तो जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो ज्ञान विज्ञान, पुरातनता और आधुनिकता दोनों के मूल्यों को लेकर एक नई दिशा दिखाती है, जिसमें योग्य, समर्थवान, सुशिक्षित, कुशल, दक्ष और राष्ट्र के लिए समर्पित युवा पीढ़ी का निर्माण करने का संकल्प हमें दिखाई देता है।